हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़ हॉस्पिटल जा रहे हैं PGI। मैंने जैसे कि पिछले ब्लॉग में देखा था, मामा जी वहाँ एडमिट थे, उनका अब जाके ऑपरेशन हुआ अभी 3-4 दिन में, तो जा रहे हैं उनसे मिलने। सोचा कि जा रहे हैं तो फिर खाना भी ले जाते बना के थोड़ा बहुत। बस चलिए फिर, मैं रेडी हो चुकी हूँ। टाइम 7:30 हो गए, 8:15 हो गए, तो फिर चलिए फिर आपको मिलते हैं आगे। तो जी, ये है आज का वेदर। काफ़ी दिनों बाद मौसम हो चुका है साफ। फ्रेंड्स, अभी ही रुके हम रिबॉन में, क्योंकि यहाँ से किसी का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम रिबॉन में किसका वेट कर रहे हैं, अभी दिखाती हूँ आपको। वेलकम बैक। आज ब्लॉगिंग करेगी लड़कियाँ। कहाँ रही तुम अभी तक? है चुका है हमारा चलान। कहाँ जली लाइट, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। भाई की पुलिस मिल गई, शर्म करो थोड़ी। गाइस, यहाँ जरा थोड़ी सी लाइट क्रॉस कर दी है, तो फिर लाइट जंप कर दी है, तो फिर हमारा हो गया है चलान। पहले चश्मे पहने थे ना, पापा को दिखाई नहीं। फ्रेंड्स, फाइनली पहुंच चुके हैं हम PGI। टाइम क्या हो गया? 10:30। यहाँ शोर बहुत है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। नमस्ते 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 जी, क्या हाल है? नमस्ते मामा जी। नमस्ते मामा जी। मामू ठीक है? कैसी तबीयत है आपकी? हेलो, हमारे लंबे हो गए। ये अनमोल जी बेहोश हो गए। मेरी बिंदी छोड़ गई। तो फ्रेंड्स, चुके हम फ्री हॉस्पिटल से। चलिए अब चलते हैं थोड़ा मार्केट तक। कहाँ जाना अभी? कहाँ बोलोगी? गर्मी से तभी हालत नहीं होती। इसको क्या हुआ? इसकी तो बेइज्जती हो गई है। गाइस, आप किसी और को देखने क्यों आया चक्कर भाई तेरे को? पता नहीं, सफोकेशन हुआ। पेशेंट को देख के चक्कर आया? नहीं, सफोकेशन। इसको सफोकेशन से हो गई थी। गाइस, देखा होगा आपने वीडियो में पिक्चर। शीशे का नहीं डालना यार।
वीडियो तो डालनी पड़ेगी, वीडियो तो डालनी पड़ेगी, थोड़ा सा बताना तो पड़ेगा, आगे से नहीं तेरे को लाना पड़ेगा भाई हॉस्पिटल। एक बार शिमला में अभी इसको हो गया था, मामू से मिलने गई थी, फौजी मामू से मिलने ना, वहाँ भी इसको फेंट हो गई है, यहाँ भी शायद शनि में इसको मेरे को लगता है सही हुआ कुछ। अब हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ चलना है, रेडी के कपड़े लेने, हम ब्रांडेड कपड़े लेते हैं भाई, जरा ब्रांडेड कपड़े लेते हैं, ब्रांडेड कपड़े तो सोलन में भी मिलते आगे राउंड अबाउट राइट। अरे आज की गर्मी के मारे बुरे हाल और आइसक्रीम खाई जा रही है, तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं वापस, तो ये बोल रही है जाना तो नहीं था पर जाना पड़ रहा है, तो यहाँ रुके हम गन्ने का जूस पी रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है आजकल, तरबूज खा रहा है, एक तरबूज ले लो, ये तो मीठा मीठा है, नींबू डलवा लो इसमें, नींबू डलवाओ और नींबू और डलवाओ, मीठा है, छुपाती है तुम लड़कियां, तने क्या पीना है, ले पी ले, ले पकड़, प्यारा सा पार्क बना है यहाँ पे, हमारी अभी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, है? क्या है? आगे चलो वहाँ, ये लड़कियाँ उतरनी भी है और क्या करें, चलो चलिए हम वहाँ जाके आते हैं, जरा कभी भी नहीं वहाँ आज उतरे हैं, तो फिर जरा मुआयना कर लेते हैं पार्क का, हिमाचल यहाँ इतने सारे टूरिस्ट रुके और यहाँ बहुत अच्छा ठंडा ठंडा। तपन हुंडई अब क्या तेरे लिए बना खत्म हो गया, तेल डलवाओ जी आप क्या करते, मानना नहीं है बंदे ने भाई, थोड़ी सी जगह में गाड़ी मोड़ के दिखानी है, तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम, अभी अपने घर पे नहीं पहुंचे, अभी पहुंचे भाभी के घर में, तो भाभी का कॉल आ गया था कि यहीं आ जाओ डिनर करके जाना, तो फिर पहुंचे हैं, मतलब कि बंदे ने इतनी छोटी सी जगह में गाड़ी मोड़ के दिखा दी,
मान गए फिर, मान गए, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। बस बस बस, घर के मालिक घर में है कि सोए तो नहीं है? ये देखो हमारे लिए तो बिस्तर बुस्तर भी लगे हुए, बोलो थक के आए हुए बेचारे, चंडीगढ़ से थक के आए हुए बेचारे। हाँ जी नमस्ते, क्या हाल है हमारा आज? पहुंचे हैं तो बन गया कुछ? अभी कुछ भी नहीं बना, बनेगा आराम से। हमने सोचा कि भाई हमारे लिए खाना तैयार, ये बोला था ना कि हमारा पेट फुल है, मैं आराम से बना रही। हाँ ठीक है ठीक है, आप बनाओ। ठीक है फिर, ठीक है फिर आप बनाओ जी, हम थोड़ा रेस्ट कर लेते तब तक। तो चलिए फिर अब फ्रेंड्स ब्लॉग का भी यही एंड करते हैं, मिलता है एक नए ब्लॉग के साथ आपको, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।